नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। क्षेत्र में नकली जीरे का काला कारोबार करने वालों पर नकेल कसते हुए कोतवाली पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर लगभग करोड़ों का माल बरामद किया है। कोतवाली पुलिस की इस कार्रवाई से भाजपा के बड़े नेता के इंडस्ट्रियल पुत्र व कस्बे के MBA डिग्री धारक बड़ी कंपनी में जॉब छोड़कर काले कारोबार में शामिल हुए युवक समेत 9 लोगों के घरों से कोतवाली पुलिस ने करीब 1000 कुंतल नकली जीरा बरामद किया है। इस बड़ी कार्रवाई से कारोबारियों में दहशत साफ देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार शनिवार देर शाम को मुखबिर खास की सूचना पर कोतवाल लालचंद सरोज मैं दलबल के भाजपा नेता के पुत्र अमित प्रकाश वर्मा उर्फ रजन वर्मा की रामा इंडस्ट्री तथा MBA डिग्री धारक व ग्रेटर नोएडा में बड़ी कंपनी में काम छोड़ नकली जीरा व्यापार में शामिल हुए सतेंद्र केसरवानी के गोदाम सहित कमलेश मौर्य उर्फ लल्ला, प्रशांत साहू, फूलचंद साहू, राजेंद्र प्रसाद बारे उर्फ बाबू, पंकज ठटेर निवासी गढ़ कस्बा महाराजगंज, इंद्रजीत निवासी बबुरिया, पवन गुप्ता निवासी चंदापुर के कस्बा स्थित गोदामों तथा घरों से छापामारी कर हजारों बोरों में लगभग 1000 कुंतल नकली जीरा बरामद किया गया है। कहां से आता है ये नकली जीरा? नैया नाला के आसपास या फिर बड़ी नहरों के किनारे तराई क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की पौध की उपज होती है जिसे खस कहते हैं। देहात क्षेत्र में इसे गाड़र बोलते हैं। इस पौधे की जड़ का अर्क निकालकर इत्र बनाया जाता है और इस जड़ से अर्क निकालने के बाद यही जड़ गर्मी के मौसम में खस के रूप में कूलर आदि में प्रयोग की जाती है। इसी पौधे के परिपक्व होने पर इससे विशेष प्रकार की सीक निकलती है जिसे देहात क्षेत्र में फूल झाड़ू बोलते हैं और देहात क्षेत्र में इसी सीक का प्रयोग झाड़ू के रूप में किया जाता है। इसी सीक में एक विशेष प्रकार के फूल निकलते हैं जो परिपक्वता होने पर जीरे के आकार के होते हैं। नदी के किनारे बसे हुए गांवों के आसपास के क्षेत्र में खस या गाड़र के पौधे बहुतायत में पाए जाते हैं जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में यह रोजगार का प्रमुख जरिया बना हुआ है। इस पौधे के विषय में क्षेत्र के ग्रामीण ने बताया कि सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से मार्च तक ही इस पौधे से खस और फूल झाड़ू तथा जीरे के आकार का बीज निकलता है। सर्दियों में ग्रामीण महिलाएं खस के सीक निकालती हैं और इसी सीक से जीरे के आकार का बीज निकालती हैं और सीक को 70 से 80 रुपए प्रति किलो में बेचती हैं और इससे निकला जीरे के आकार का बीज 10 से 15 रुपए प्रति किलो में स्थानीय व्यापारियों को बेचती हैं। पुरुष इन्हीं पौधों को जड़ सहित निकालकर जड़ स्थानीय व्यापारियों को 25 से 30 रुपए प्रति किलो बेचते हैं। ऐसे बनता है ये नकली जीरा। फूल झाड़ू के बीज जो जीरा से थोड़ा पतला होता है को गुड़ का सीरा और संगमरमर के पत्थर का पाउडर मिलाकर इसे मशीन से तैयार किया जाता है। इसके बाद जब यह जीरे जैसा हो जाता है तो इसे दिल्ली NCR व पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े व्यापारियों को सप्लाई किया जाता है। चेन दर चेन होती है सप्लाई। स्थानीय बड़े व्यापारी 50,000 से 1,00,000 रुपए की पूंजी देकर अपने विश्वास पात्र स्थानीय लोगों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से 10 से 15 रुपए प्रति किलो में नकली जीरा खरीद कर गोदामों में डंप करते हैं। उसके बाद यह 120 से 130 रुपए प्रति किलो में पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली NCR व हरियाणा के व्यापारियों को बेचते हैं। उसके बाद शुरू होती है नकली जीरा बनाने की प्रक्रिया। जीरा जैसा बनाने के बाद इसी नकली जीरे को 80 किलो जीरा में 20 किलो नकली जीरा मिलाकर सप्लाई किया जाता है। नकली जीरा के बड़े व्यापारी असली जीरा के मूल्य से कम पर बेचते हैं जिससे बाजारों में इसकी खपत तेजी से बढ़ रही है।